मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के थाना धनौरा के सुनवारा चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुनवारा खेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर दुर्गेश डहरिया, दिनेश डहरिया, रिझन डहरिया, रानी डहरिया, रजनी डहरिया ने सौरभ डहरिया, शालिनी खेम करण डहरिया, अनुसुईया डहरिया के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, जिसकी सूचना धनौरा थाना प्रभारी ईश्वरी पतले और सुनवारा चौकी प्रभारी संजीव मिश्रा को मिली तो उन्होंने 100 डायल को मौके पर पहुंचाकर पीड़ितों को प्राथमिक उपचार के लिए धनौरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पीड़ितों का प्राथमिक उपचार के पश्चात धनौरा के बीएमओ डॉक्टर रामजन्म प्रसाद के द्वारा सावित्री डहरिया को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है? सौरभ डहरिया नाम है। कहाँ से? सुनवारा खेड़ा से। सुनवारा खेड़ा से। विवाद किस चीज को लेकर हुआ था? सर वो हमारे पूर्वजों की जो बाड़ी है सर, तो कल उसमें तहसीलदार सर के द्वारा कब्जा दिलाया गया था, तो आज फिर वो वहाँ पर अलग से कुछ कार्य कर रहे थे, हम देखने गए थे सर, तो गाली गलौज करने लगे और मारपीट की है सर। किसने की है? दिनेश डहरिया सर, रीजन डहरिया है सर, दुर्गेश डहरिया है, रजनी डहरिया है, सावित्री डहरिया है सर, और रानी डहरिया है सर, और आसिक डहरिया है सर। तो ये सब कहाँ आपके घर के रिश्तेदार हैं या फिर मोहल्ले पड़ोस के? हमारे घर के साइड के रहने वाले सर, चाचा के लड़के हैं ये सर। अच्छा, चाचा के लड़के हैं। तो पहले से ये जमीन किसके नाम में थी? पहले से ये जमीन दादा के नाम में सर, रजिस्ट्री भी है और बही भी है हमारे पास सर। अच्छा, 1963 से हमारे नाम में सर, लेकिन वो कल कब्जा दिलाया गया, उसी के बाद से वो विवाद हुआ। नोटिस वगैरह दिया गया था इसके पहले? एक दिन पहले दिया गया था सर कब्जा दिलाने के। किसने दिया था ये? उसने ला के दिया सर, कोटवार ने ला के दिया सर। कोटवार ने ला के दिया। तो कब्जा कब हटाया फिर? कब्जा एक दिन बाद हटाया सर। एक दिन बाद हटाया को सर जी। क्या नाम है आपका? शालिनी डहरिया। क्या हुआ था सर? उन लोग कुछ बाड़ी में कर रहे थे, हम लोग गए देखने, तो वो कहने लगे आओ आओ तुमको मारेंगे। हम बोले हम दूर हट रहे थे, लेकिन उन लोग पूरे सब बल क्या बोलते लकड़ी लेके सब दौड़े और मम्मी को दादाजी को मारने लगे। मम्मी दादाजी गिर गए, मारते लगे लगातार मारते रहे। मैं बचाने की कोशिश करी, मुझे भी हाथ में सिर में ये पूरा चमड़ी उकल गई। यहाँ मेरे भाई को भी दो दो तीन तीन लोग मिल गए, कोई सप्पल से मार रहा, कोई लकड़ी से लगातार। मैं बस बचाव कर रही थी, प्लीज छोड़ दो, वो उनको कुछ हो जाएगा, छोड़ दो, बहुत लगातार। उसके बाद बहुत मुश्किल से वो रुके और मम्मी वहीं बैठी रही कंटिन्यू। पैर में अलग फ्रैक्चर है मम्मी को। अच्छा अच्छा। उठ नहीं पा रही हैं वो, चार लोगों ने उठा के उनको गाड़ी में बिठा रही जब हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं। मतलब चार लोगों को चोट आई है?